हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं मांग का विस्तार व संकुचन और मांग में वृद्धि या कमी, इन दोनों में क्या अंतर है ये भी हम करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे क्या था हमने पढ़ा था डी ए इज ए फंक्शन ऑफ पी ए पी बी पी सी इनकम टेस्ट वेदर पॉपुलेशन एटसेट्रा। ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे। अब हम क्या कर रहे हैं कि मांग का विस्तार यानी एक्सटेंशन इन डिमांड और मांग का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इधर है मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड और मांग में कमी डिक्रीज इन डिमांड। इसमें क्या फर्क है कि मांग का विस्तार और संकुचन में जो मांग वक्र है उसमें ऊपर नीचे हम जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि मांग वक्र जो होता है, मांग वक्र रेखा होती है, वो ऊपर या नीचे जाती है। तो जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहते हैं मांग का विस्तार व संकुचन। इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से अगर मांग कम होती है उसे कहते हैं मांग का संकुचन, और अन्य तत्व स्थिर रहने पर कीमत में कमी होने से अगर मांग बढ़ती है उसे कहते हैं मांग का विस्तार। कहने का मतलब क्या है, इसमें अन्य सभी तत्वों को स्थिर मान लिया जाता है, केवल उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो डिमांड में परिवर्तन होता है, तो हमें ये पता है कीमत और डिमांड में विपरीत संबंध है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। तो मांग का विस्तार क्या हो गया, ध्यान देना कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से अगर मांग कम होती है तो उसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत के कम होने से मांग बढ़ती है तो उसे मांग का विस्तार कहते हैं। अब इसमें है मांग में वृद्धि या कमी। वृद्धि या कमी में क्या होता है कि उस वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, अन्य घटकों के कारण अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि, और अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर मांग कम होती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इस विस्तार और संकुचन में क्या है कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य घटक स्थिर रहते हैं, केवल कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, और मांग में वृद्धि और कमी में क्या है कि उस वस्तु की कीमत तो स्थिर रहती है, अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर मांग बढ़ती है या कम होती है उसे मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। अब हम इसको रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। पहले हम मांग का विस्तार व संकुचन, ओ एक्स अक्ष और ओ वाई, यहां हम लेते हैं मांग मात्रा। और इधर हम लेते हैं कीमत। मान लो हमारी कीमत है ओ पी जीरो पी जीरो क्यू जीरो। अब क्या है, कीमत हमें पता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। मान लो कीमत ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाती है और इससे डिमांड क्या होगी, ओ क्यू वन। ये P1, ये Q1। अब क्या है, अन्य घटक स्थिर रहे, कीमत कम होगी तो मांग क्या होगी, बढ़गी। ये होगी P2, ये Q2। तो इन तीनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो ये डिमांड कर्व आ गया। अगर यहां से इस तरफ आए, ये हो गया मांग का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट क्षण इन डिमांड। अगर इधर बाहर की तरफ जाते हैं तो ये हो गया विस्तार। तो क्लियर है कि एक ही मांग वक्र में जब हम ऊपर नीचे जाते हैं तो वो मांग का संकुचन तथा विस्तार होता है। दोबारा बता रही हूं कि अन्य घटकों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाती है, उसे मांग का विस्तार कहते हैं। जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, इसे मांग का संकुचन कहते हैं। इसी प्रकार यह है मांग में वृद्धि व कमी। वृद्धि में पहले हम करते हैं मांग में वृद्धि। इसका रेखा चित्र क्या है,
यहां लेते हैं मांग मात्रा, यहां लेते हैं कीमत रुपयों में। मान लो कीमत है 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। इधर हम लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। पहले हम करते हैं मांग में वृद्धि। वृद्धि में क्या होगा, जो मांग वक्र है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। सपोज हमारी कीमत है 3 रुपये और हम मांग करते हैं 30 इकाइयों की, तो ये मांग वक्र हो गया डी डी। अब क्या है, मांग में वृद्धि क्या होता है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहे, अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। मान लो वो होगी 40, ठीक है, कीमत स्थिर रही 3 रुपए, लेकिन मांग जो है 30 इकाई से बढ़कर 40 इकाई होगी, तो ये डिमांड वक्र इस तरफ शिफ्ट हो गया D1। तो इस तरफ जो ये वृद्धि हुई है, ये है मांग में वृद्धि। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उतनी ही अगर कीमत क्या है बढ़ जाती है तो मांग जो है उतनी ही रहे, तो उसे भी कहेंगे मांग में वृद्धि। दोबारा रिपीट कर रही हूं कि इसमें कीमत के स्थिर रहने पर अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर मांग में वृद्धि होती है, मांग बढ़ती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। अब हम कहते हैं मांग में कमी। ओ एक्स अक्ष पर मांग मात्रा लेते हैं, मांग मात्रा, और ओ वाई अक्ष पर कीमत रुपयों में। ये मान लो है 1, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। क्वांटिटी है 10, 20, 30, 40, 50। मान लो 3 रुपए कीमत है और उसकी मांग है 30, तो ये डी डी वक्र। अब क्या है, वस्तु की कीमत स्थिर रहे लेकिन अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर वस्तु की मांग कम हो जाती है, ये कम होगी तो ये D1। अंदर की तरफ अगर डिमांड वगैरह आ जाता है तो ये है मांग में कमी। तो ये हमने किया मांग का विस्तार व संकुचन, यानी एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और मांग में वृद्धि व कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। दोबारा रिपीट कर रही हूं, इसमें क्या अंतर है कि मांग का विस्तार और संकुचन क्या होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य घटक स्थिर रहें, कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग का विस्तार, और कीमत कम होने से अगर मांग बढ़ती है मांग का विस्तार, और कीमत बढ़ने से मांग कम होती है तो मांग का संकुचन। मांग में वृद्धि व कमी क्या है कि वस्तु की कीमत स्थिर रहे, अन्य घटकों के कारण अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि, अन्य घटकों कीमत के स्थिर रहने पर अन्य घटकों में परिवर्तन के कारण अगर मांग में कमी होती है तो उसे मांग में कमी कहा जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया मांग और मांग का नियम। नेक्स्ट हम करेंगे सप्लाई, पूर्ति और पूर्ति का नियम। थैंक्स स्टूडेंट्स।